स्टूडेंट्स क्लास 9 नंबर सिस्टम, इसमें एक्सपोनेंट रेडिकल्स के कुछ एक क्वेश्चंस रह गए थे जो इम्पोर्टेंट हैं, ये भी तो ये मैं करवा रहा हूँ। ये मैंने एग्जाम्स में देखे हैं ये क्वेश्चंस भी। तो इसमें हमें ना गिवन है, इफ़ 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 12 की पावर z, तो कह रहे प्रूव डैट या शो डैट 1/z इज इक्वल टू 1/y प्लस 2/x। ये हमें प्रूव करना है, शो करना है। तो इस तरह का अगर आपको कहीं पे भी कुछ दे रखा है ना, तो उसमें आपने इसको ना के लेना है। लेट सबसे पहले लेट 2 की पावर एक्स इजिकल टू 3 की पावर वाई इजिकल टू 12 की पावर जेड इजिकल टू के। तो इसका मतलब क्या है, 2 की पावर एक्स भी के बराबर आ गया। तो देयरफॉर 2 की पावर एक्स इजिकल टू के, 3 की पावर वाई भी इजिकल टू के, 12 की पावर z भी इज इक्वल टू k। अब अगर हमें इस पावर को हटाते हैं तो इसके ऊपर आ जाएगी ये पावर 1/, जैसे ये x है तो 1/x की फॉर्म में आ जाएगी। और क्योंकि मैं इसको लिख रहा हूँ, और 2 इज इक्वल टू k की पावर 1/x, या फिर 3 इज इक्वल टू k की पावर 1/y, या फिर 12 इज इक्वल टू k की पावर 1/z। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा हमें मिला है। अब आप यहाँ पर देखिए इस 12 को, ये 12 दिख रहा है आपको, 12 इज इक्वल टू के की पावर 1/z था। तो 12 इज इक्वल टू के की पावर 1/z था, बट 12 को लिखने का तरीका क्या हो सकता है, इसको हो सकते हैं 2 into 3, ठीक है जी, 2 into 2 into 3, मतलब 4 × 12 k की पावर 1/z, यानी कि 2 × 2 into 3 इज इक्वल टू k की पावर 1/z। अब अगर आप ध्यान से देखें ये 3 को, 3 दिख रहा है आपको, ये यहाँ दिखाई दे रहा है, 3 क्या है, k की पावर 1/y। तो मैं इसको लिखता हूँ k की पावर 1/y। अब ये 2 को देखो, 2 क्या है, k की पावर 1/x था, तो मैंने लिख दिया k की पावर 1/x, और ऊपर 2 था तो ये आ जाएगा 2/x। देख रहे हैं आप, इसमें ये दोनों बेसिस सेम है, साइन मल्टीप्लिकेशन का, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी। तो मैं इसको लिखता हूँ k की पावर 2/x प्लस 1/y इज इक्वल टू k की पावर 1/z। जब इज इक्वल टू के दोनों साइडों पर ऐसे बेसिस बराबर हो जाते हैं तो उनकी पावर्स क्या होती हैं, इक्वेट हो जाती हैं। तो मैं लिख सकता हूँ 2/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z। तो अगर आप देखें ध्यान से, मुझे क्या प्रूव करना था, 2/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z, तो ये मैंने प्रूव कर दिया है। तो प्लीज़ पॉज ऑन द वीडियो एंड नोट डाउन दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर हमें फिर ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही कुछ कुछ हद है तक, a की पावर p इक्वल टू b की पावर q इज इक्वल टू c की पावर r, और हमें एक और चीज़ गिवन है, डेट इज b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। हमें प्रूव करना है कि क्या q इज इक्वल टू 2rp होल अपॉन r प्लस p है। तो जो हमें गिवन है ना, पहले हम उसी को पिक करते हैं। तो लेट a की पावर p इज इक्वल टू b की पावर q इज इक्वल टू c की पावर r इज इक्वल टू k। देखो मतलब क्या है, a की पावर p बराबर हो जाएगा k, b की पावर q भी बराबर हो जाएगा k, और c की पावर r भी बराबर हो जाएगा k। जब हम ये पावर p डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, k की पावर 1/p बन जाएगा। तो a इज इक्वल टू k की पावर 1/p, b इज इक्वल टू k की पावर 1/q, एंड c इज इक्वल टू k टू द पावर 1/r। अब हमारे पास a, b और c की वैल्यूज पड़ी हुई हैं इन टर्म्स ऑफ k। हमारे पास एक क्वेश्चन में ये भी गिवन है, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन था। तो b स्क्वायर में b की जगह पर मैं b की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, डेट इज k टू द पावर 1/q। तो मैं लिखता हूँ k
के टू द पावर 1 अपॉन क्यू और इसके ऊपर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ए के टू द पावर 1 अपॉन पी था, और सी के टू द पावर 1 अपॉन आर था। ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, के की पावर 2 अपॉन क्यू हो जाएगा। बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगे, निशान मल्टीप्लाई का है, 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन आर। अब ऐसे में अगर बेसिस सेम हो इजिकल टू दोनों साइड पे तो पावर्स इक्वेट हो जाती हैं। तो हम लिखते हैं 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 2 अपॉन क्यू। इनका ले लेते हैं हम एलसीएम, पी आर, पी है तो पी को छुपाइए बचा आर, आर इंटू 1 आर प्लस आर है आर को छुपाइए बचा पी, पी इंटू 1 पी 2 अपॉन क्यू। अब बोले क्यू इज इक्वल टू समथिंग चाहिए तो मैंने क्यू को इधर ले जाऊंगा ऊपर, बाकी इन दोनों पार्ट को इधर ले जाऊंगा, तो ये पी आर ऊपर जाएगा और आर प्लस पी नीचे आ जाएगा। तो ये क्यू ऊपर गया इज इक्वल टू 2, ये पी आर ऊपर आ गया, पी आर या आर पी बात एक ही है, और आर प्लस पी नीचे आ जाएगा। तो देखिए मेरे पास क्यू इज इक्वल टू 2 आर पी अपॉन आर प्लस पी, यही मेरे प्रूफ कर रहे थे, तो ये मैंने प्रूफ कर लिया है। प्लीज पॉज ऑन द वीडियो एंड नोट डाउन दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड करने जा रहा हूँ। यहाँ पे हमें लिखा है इफ ए इज इक्वल टू बी टू पावर 3x एंड बी इज इक्वल टू 3 की पावर सी की पावर 3y एंड सी इज इक्वल टू ए टू पावर 3z। हमें कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इंटू y इंटू z। ध्यान से देखिएगा, एक थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन है, तो देखिए सॉल्यूशन कर रहा हूँ स्टार्ट इसका। a इज इक्वल टू बी टू द पावर 3x, दिस इज गिवन टू अस। अब इसके बाद जरा ध्यान से देखें b, तो b यहाँ पे आपको दिखाई देगा सी की सी टू द पावर 3y, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ b इज इक्वल टू सी टू द पावर 3y था। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग b वी कैन राइट c टू द पावर 3y और इसके ऊपर पावर 3x था। जब पावर में पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई जाती है, तो वी कैन राइट ए इज इक्वल टू सी 3 3 9 xy, क्योंकि एक्स भी था और वाई भी था, 3 3 9 xy। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर सी, बट सी क्या है, ए टू द पावर 3z, सी इज इक्वल टू ए टू द पावर 3z। तो ए इज इक्वल टू ए की जगह पर मैंने ए की सी की जगह सॉरी सी की जगह ए टू द पावर 3z लिख लिया और इसके ऊपर पावर फिर 9xy था। तो ये 3z जो है 9xy से मल्टीप्लाई हो सकता है, पावर ए पावर है। तो a इज इक्वल टू ए 9 3 27 और x इंटू वाई इंटू जेड। अब अगर आप देखें तो इज इक्वल टू इधर भी a है इधर भी a है, इसकी पावर 1 है, ऐसे कुछ नहीं होती, 1 पावर होती है, 0 नहीं होती, 1 होती है, और यहाँ पे है तो बेसिस इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएंगी, 27 xyz इज इक्वल टू 1। तो इन दैट केस x इंटू वाई इंटू जेड क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 27। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड, यही हमें फाइंड करना था। प्लीज पॉज ऑन द वीडियो एंड नोट ऑन दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अभी यहाँ पे मैंने इसके पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर फर्दर पार्ट्स हैं, तो मैंने पहला पार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें बोल रखा है कि इफ 2 to the power 5x साइन ऑफ डिवीजन है, फिर 2 to the power x इज इक्वल टू ये 2 की पावर 20 एंड रूट के अंदर इसका ऑर्डर 5 है, तो कह रहे x की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो देखिए इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो बेसिस सेम है, साइन डिवीजन में तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो 2 की पावर 5x - x इज इक्वल टू 2 की पावर 20 है, जब ये रूट हटेगा तो इसकी पावर 1/5 हो जाएगी, यहाँ पे जो ऑर्डर लिखा होता है उसकी पावर बनती है 1/5 में, ठीक है। इसको लिख देंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4x, ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर पावर है तो 20
ट्वेंटी अपॉन फाइव, फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी, टू की पावर फोर एक्स इजिकल टू सॉरी टू की पावर फोर हो जाएगा। यहाँ पर बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, तो फोर एक्स इजिकल टू फोर, तो एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा वन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसके अंदर एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आएगी वन। तो प्लीज़ पॉज ऑन द वीडियो एंड नोट डाउन दिस पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर फोर का। फाइव की पावर एक्स माइनस टू इंटू थ्री की पावर टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू वन थर्टी फाइव। अब यहाँ पे बेसिस ए भी नहीं है तो क्या करें आप, सबसे पहले 135 को देखिए, तो 135 के बनाते हैं फैक्टर्स, तो क्या बनते हैं जी, तीन से ज़्यादा है जी, थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व, थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन, थ्री वन थ्री, थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन, थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन, फाइव वन ज़ा फाइव। तो मैं 135 को देखो इसको ऐसे लिखूँगा, वन थर्टी फाइव को मैं लिखता हूँ फाइव की पावर वन इंटू थ्री की पावर थ्री, क्योंकि थ्री थ्री टाइम्स आ रहा है, तो थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, तो थ्री की पावर थ्री लिख सकते हैं। अब देखो इसके अंदर ना आपको आपकी अपनी कॉल है, आपको एक्स वैल्यू निकालनी है, आप थ्री के पावर्स को इक्वेट कर सकते हो, यहाँ पे थ्री है इक्वल टू इधर भी थ्री है, या आप चाहो तो फाइव के पावर्स को भी इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि ये भी फाइव और इधर ही फाइव है। अब मैं जो यहाँ पे करने जा रहा हूँ वो x माइनस टू और वन को इक्वेट करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये भी बराबर आ रहे हैं बेस इनके, तो x माइनस टू इक्वल टू वन, तो x इक्वल टू वन प्लस टू, डेट इज x इज इक्वल टू थ्री। तो आपके सामने x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, थ्री आ गई है। तो प्लीज़ पॉज ऑन द वीडियो, या इसके और भी तरीके हैं लेकिन दिस इज द वन द सिंपलेस्ट वे टू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो आप इस मेथड से कर लीजिएगा, फॉलो करके वीडियो को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें रखा है थ्री अपॉन फाइव की पावर एक्स इंटू फाइव अपॉन थ्री की पावर टू एक्स, ये 125 अपॉन 27 है, 125 फाइव की पावर थ्री होती है, 27 थ्री की पावर थ्री होती है, ये भी 5/3 आ रहा है, ये भी 5/3 में चेंज हो रहा है, तो ये 3/5 बन रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको चेंज करता हूँ कुछ, यानी कि ये 5/3 एज इट इज, इसकी पावर 2x, अगर मैं इन दोनों को रेसिप्रोकल कर दूं तो इसकी पावर माइनस में रहती है, तो मैंने लिखा 5/3, ये 5/3 कर दिया तो इसको माइनस एक्स कर दिया, ये हम कर सकते हैं, ये हमारे पास राइट होता है, ठीक है, ऐसे रेसिप्रोकल करते हैं अगर रेशियोस को तो पावर माइनस में रहती है। अब यहाँ पे देखिए 5/3, यहाँ भी 5/3, बेसिस सेम आ गया साइन मल्टीप्लिकेशन का, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 2x माइनस एक्स प्लस टू एक्स, यानी कि एक्स आ जाएगा 5/3 माइनस एक्स प्लस टू एक्स। यहाँ पे हम होल पावर थ्री कर सकते हैं, कितने पे पावर थ्री, तो टू एक्स में से एक्स गए तो वी गेट एक्स, अब यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, इक्वेट हो जाएंगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आई, थ्री आ गई। तो प्लीज़ पॉज ऑन द वीडियो एंड नोट डाउन दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये स्टूडेंट, ये हमें दे रखा है कि ये इसके बराबर है दिस होल पार्ट, और हमें बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस वन, इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, बट बहुत मुश्किल नहीं है, मैं यही बोला कि मुश्किल है। सबसे पहले तो देखो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये बेसिस सेम आ रहे हैं, साइन डिवीजन का आ रहा है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो अगर मैं एक्स की बात करूँ तो एक्स की पावर सिक्स माइनस माइनस प्लस टू, वाई माइनस थ्री प्लस माइनस माइनस थ्री, इसकी होल पावर माइनस के वन बाई टू। यहाँ पे भी सेम वही हो रहा है, बेसिस सेम है, साइन डिवीजन का, तो ये पावर माइनस हो जाएंगी, माइनस वन माइनस थ्री, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसकी होल पावर वन अपॉन थ्री। तो ये बनेगा आपका
एक्स की पावर 8 और वाई की पावर -6, इसकी होल पावर -k 1/2। ये आ जाएगा एक्स की पावर -4 इंटू वाई की पावर 4, इसकी होल पावर 1/3 इज इक्वल टू एक्स की पावर है वाई की पावर बी। इसकी मैं पावर को इससे पावर मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक्स की पावर 8 इंटू -k 1/2, वाई की पावर -6 था इंटू -1/2। ये एक्स की पावर -4 है इंटू 1/3, वाई की पावर 4 इंटू 1/3। यहाँ पे ये 8 कट जाएगा तो 2 4 8, 2 3 6, ये बनेगा हमारे पास x की पावर -4 इंटू वाई की पावर, ये क्या जाएगा -6 था, ये -1 था, तो -1 प्लस हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा y की पावर 3। तो इसमें ना इन क्वेश्चंस के अंदर ये बातों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत डिटेलिंग में जाना पड़ता है हमें। डिवीजन का साइन है यहाँ पे, तो x की पावर -k 4/3 और y की पावर 4/3 इज इक्वल टू एक्स की पावर 8 y की पावर b, ठीक है जी। तो हम इसको चाहें तो कुछ ऐसे उसते हैं ना, y की पावर 3 अपॉन x की पावर 4, y की पावर 4/3 और x की पावर 4/3, क्योंकि माइनस में था तो मैंने इसको नीचे लिया है। y की पावर b। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर डिवीजन साइन है, और अगर डिवीजन का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऐसे हो जाते हैं, तो ये आ जाएगा वाई की पावर 3 एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4/3 अपॉन वाई की पावर 4/3। तो इन दोनों को मैं यूज़ करता हूँ और इन दोनों को यूज़ करता हूँ, क्योंकि बेसिस सेम है, साइन डिवीजन का आ रहा है, तो इसमें पावर माइनस हो जाएंगी, इसमें ही पावर माइनस हो जाएंगी। तो मैं एक्स के लिए कर रहा हूँ, मतलब एक्स की पावर 4/3 अपॉन एक्स की पावर 4 और y की पावर 3 अपॉन y की पावर 4/3। 4/3 और 4 है तो 4/3 -4, ये 4 आ जाएगा माइनस 1 3 3 4 12, तो 12 में से 4 गए -k 8/3। अगर मैं इसको लेके चलता हूँ तो ये आ जाएगा मतलब x की पावर -k 8/3, और ये आ जाएगा, इसको करेंगे सॉल्व तो इसका क्या बनता है, 3 -4/3, 1 3 3 9 -4, 9 में 4 गए 5/3, तो ये आ जाएगा y की पावर 5/3 इज इक्वल टू x टू पावर a और y टू द पावर b। अब ऐसे में बेसिस सेम हो तो हम पावर्स को इक्वल कर लेते हैं, तो a की वैल्यू क्या आ रही है -k 8/3 और b की वैल्यू क्या आ रही है 5/3, ठीक है जी। अब आप ऐसे कीजिएगा, इसको पॉजूम कर लीजिएगा, पॉजूम करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा ये वाला पार्ट, मुझे a प्लस बी प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है। देखिए मैं a की जगह पे a की वैल्यू पुट करूँगा -8/3 प्लस b की जगह b की वैल्यू पुट करूँगा 5/3 प्लस 1, इसे सॉल्व करते हैं 3, यह आ जाएगा -8 प्लस 5 प्लस 3, ये बन जाएगा -8 प्लस 8/3 जो कि आ जाएगा 0, क्योंकि 8 + 8 0/3 0 ही होता है। तो फाइनली a प्लस बी प्लस 1 की वैल्यू क्या आई 0। तो ये इस तरह से करना है, प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन।